This video series covers the entire syllabus of Paper 3, Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase a scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing scanner is given in the description below. Thank you for choosing scanner classes. Happy learning. हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे से हम लोगों का ये फास्ट ट्रैक कोर्स निपटता जा रहा है और हम लोग ऑलमोस्ट इसके एंड पे आ चुके हैं। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 17 थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे और जहां तक मुझे लगता है ये आज ही ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चैप्टर है। एक्चुअली सिर्फ ये जो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है, ये जो आपका थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस है, इसमें से जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं वो भी सारे के सारे थियोरेटिकल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें से आते नहीं है। इसमें तीन चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती हैं, एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों ही इतने आसान हैं, इन तीनों के आप फॉर्मूले याद कर लो, इन तीनों का कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत ही कॉमन सी हैं, मिलती जुलती सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस इन तीनों से क्वेश्चंस थियोरेटिकल आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेरे कुछ कराने का है नहीं, फिर भी आ जाओ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रॉबेबिलिटी के तुरंत बाद हम लोग कर रहे हैं, तो प्रॉबेबिलिटी से लिंक्ड है। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉबेबिलिटी। ठीक है, जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे प्रॉबेबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज टू फाइंड आउट द प्रॉबेबिलिटी वेद द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज ह्यूज। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज ह्यूज। आपने एक सिक्का 1000 बार उछाला, अब आप नॉर्मल तरीके से कर ही नहीं सकते इसको। ठीक है, द प्रॉबेबिलिटी इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, यही इसीलिए ये वाला सीक्वेंस हम लोगों ने रखा था कि पहले हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करेंगे, जिससे आप लोग ये एन सी आर इस चीज़ से फेमिलियर हो जाओ, उसके बाद हम लोग प्रॉबेबिलिटी करेंगे जिससे आप लोग प्रॉबेबिलिटी से फेमिलियर हो जाओ, और उसके बाद हम लोग ये वाली चीज़ें करेंगे थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल्सो ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द प्रॉबेबिलिटीज। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन सी एक्स p raised to the power x, q raised to the power n minus x। ठीक है सर, लेकिन इसका ये तो बता दो कि x क्या है, p क्या है, q क्या है, सब लिखा है, सब लिखा है। देखो n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, तो n हो गया आपका 1000। ठीक, द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक, तो वो हो जाएगा आपका x। P is the probability of success in each trial, ठीक है, P is the probability of success in each trial and Q is the probability of failure in each trial, ठीक है। तो आपने अगर सिक्का उछाला और आप चाह रहे हो कि हेड्स आए, तो probability of success in each trial कितनी है, हाफ है। probability of failure in each trial कितनी है, हाफ है। ठीक है, so if you tossed a coin 1000 times, then the number of times the experiment is repeated, that is n, is 1000. ठीक है, you have to find out the probability of achieving 5 heads. ठीक है, तो your x requirement of the question is 5. ठीक है, probability of success in each trial, हर बार कितनी बार head आने की chances हैं, half. probability of failure in each trial, half. ठीक, sometimes px को हम लोग fx भी लिखते हैं, और fx को बोला जाता है probability mass function. ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ये हैं कि सारे के सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, सारे इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम पिछले वाले एक्सपेरिमेंट के आउटकम से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। दूसरा है ईच ट्रायल हैज़ ओनली टू आउटकम्स। ठीक है, ईच ट्रायल हैज़ ओनली टू आउटकम्स। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं, समझने के लिए बस इतना ही सा था। पेज 3.897 क्वेश्चन 96 पे आओ, पेज 3.897 क्वेश्चन 96। The probability that a student is not a swimmer is 1/5. Then probability that out of 5 students, 4 are swimmers is. अच्छा, total number of students कितने हैं, 5. तो आपका n हो जाएगा 5. ठीक है,
आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि चार स्विमर्स हैं या नहीं. तो एक्स हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन फोर. ठीक है, फोर स्टूडेंट्स के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कितनी है, फोर है. तो आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि बताओ वो स्विमर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब सक्सेस कब होगा, जब कोई स्टूडेंट स्विमर होगा. राइट, सक्सेस विल बी, हम लोग कब बोलेंगे कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, जब जो भी स्टूडेंट हमने उठाया वो स्विमर निकला. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कि वो स्विमर नहीं है वो हमारा फेलियर हो जाएगा. ठीक है, हमने किसी स्टूडेंट को उठाया वो स्विमर नहीं निकला, तो मतलब ये हमारा फेलियर हो जाएगा. ठीक है, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/5 क्वेश्चन में दी हुई है. फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5, मतलब क्यू की वैल्यू दी हुई है 1/5. ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी, 1 - 1/5, मतलब ये आ जाएगा 4/5. ठीक है, तो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, n है 5, x है 4, p है 4/5 और q है 1/5. ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर x इज इक्वल टू 4, तो ये आएगी एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर n माइनस एक्स. ठीक है, तो n इज 5, 5c 4, p इज 4/5, 4/5 रेस टू द पावर x, x इज 4, q इज 1/5 रेस टू द पावर n माइनस एक्स, 5 - 4 दैट इज 1. ठीक, तो ये आपका आंसर है. तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता. बी क्या है, 5c 1. हाँ, तो ठीक है, 5c 4 को हम लोग 5c 1 भी लिख सकते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस याद करो. ठीक, 4/5 रेस टू द पावर 4, ओ तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि 4/5 रेस टू द पावर 1 है. ठीक, ऑप्शन सी देखो, 5c 4, ठीक है, 5c 4, ठीक है, 4/5 रेज टू द पावर 1, ओ ये भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है. ठीक है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज योर आंसर. ठीक, आपका आंसर ये है 5c 4 इंटू 4/5 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/5 रेज टू द पावर 1. तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, नन ऑफ दीज. ठीक, आगे चले, क्वेश्चन 62 देखना है हमें, पेज 3.884, क्वेश्चन 62 कहाँ गया, ये रहा. देखो, 6 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली. इफ 6 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स आर. तो नंबर ऑफ टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, 6. ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हेड्स आर. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच अटेम्प्ट 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच अटेम्प्ट 1/2. सिक्का उछाल रहे हो, सिक्का जब आप उछालोगे तो अगर हेड्स आएगा तो आप बोलोगे कि सक्सेस हो गया, अगर टेल्स आ गया तो आप बोलोगे फेलियर होगा. एक बार सिक्का उछालो तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज हाफ. एक बार सिक्का उछालो तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल इज हाफ. बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है. तो आपके पास n आ गया 6, ठीक है ना, 6 कॉइन्स, x आ गया 2, p आ गया हाफ और q भी आ गया हाफ. ठीक, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 आपकी कैसे निकलेगी, n c x p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस एक्स. तो n हो जाएगा 2, नहीं सॉरी, n हो जाएगा 6, 6c 2, p रेज टू द पावर, p क्या है, p है आपका हाफ, हाफ रेज टू द पावर x, x इज 2, एंड q रेज टू द पावर, q इज अगेन हाफ, रेज टू द पावर n माइनस एक्स. तो 6 - 2 दैट इज 4. आंसर्स किस फॉर्मेट में दिए हुए हैं, आंसर्स पूरे फ्रैक्शनल फॉर्मेट में दिए हैं, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो 6c 2 कैसे हो जाएगा, 6 × 5 / 1 × 2, ये हम लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखी थी. और ये हो गया 1/2 रेस टू द पावर 2 और ये हो गया 1/2 रेस टू द पावर 4. अब आ जाओ इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया जाए. ठीक है, ये बेसिकली होगा क्या, ये 4 और ये 2, ये रेस टू द पावर 6 बन जाएगा. ठीक है, इंडिसीज इतना अगर आप लोगों को याद होगा कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं,
तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली हमारा है क्या 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू हाफ रेज टू द पावर 6, हाफ रेज टू द पावर 6। तो आ जाओ पहले इसको करते हैं, 1 बाई 2 हाफ आ गया इंटू रेज टू द पावर 6 करना है तो एक बार इज इक्वल टू द बाय पावर 2 आई, फिर इज इक्वल टू द बाय पावर 3, 4, 5, 6 ये आ गया 1 बाई 2 रेज टू द पावर 6। इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आया 0.234375 0.234375। सर पर यहाँ पर तो हमें इसमें दिया हुआ है ऑप्शंस फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, तो आ जाओ एक एक फ्रैक्शन ट्राई करते हैं। 1/64 हमें 0.234375 चाहिए, तो ऑप्शन ए को सॉल्व करने से 0.234375 तो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी देखो 63/64 ना, ऑप्शन सी देखो 15/64 ये आ गया, ऑप्शन सी इज योर आंसर 0.234375। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आप होमवर्क में कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर शीट में होमवर्क में लिख रखे हैं वो सारे एकदम सिमिलर टाइप के हैं। हम लोग क्लास में कई सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग जानते ही हो, हम लोग एक आध क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हर सब टॉपिक का, और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं आपको इस वाले नोट्स में इस शीट में लिख के दे देता हूँ कि आपके होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको होमवर्क में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब क्वेश्चन 21 देखो सर, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, an experiment succeeds twice as often as it fails, what is the probability that in the next 5 trials there will be at least 3 successes? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो कहता है an experiment succeeds twice as often as it fails, मतलब अगर एक बार फेल होगा तो दो बार सक्सीड करेगा, अगर एक बार फेल होगा तो दो बार सक्सीड करेगा, ठीक है। तो मतलब 2/3 प्रॉबिबिलिटी ऑफ पासिंग हो गई, प्रॉबिबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 2/3, और प्रॉबिबिलिटी ऑफ फेलियर हो गई 1/3, ठीक है। इफ एन अगर आपने टोटल 3 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, दो बार तो सक्सेस आई, एक बार फेलियर हो गया, दो बार यू सक्सीडेड एंड वन टाइम यू फेल्ड, ठीक है, यही मतलब है ना। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, अगर एक बार फेल होता है तो दो बार सक्सीड होता है, तो मतलब अगर टोटल ट्रायल्स आपके 3 हैं तो इसमें से दो बार सक्सीड होगा और एक बार फेल होगा, ठीक है। तो प्रॉबिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल कितनी होगी 2/3, प्रॉबिबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल कितना होगा 1/3, ठीक। प्रॉबिबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रॉबिबिलिटी ऑफ फेलियर समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट 5 ट्रायल्स टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितना किया गया है, एन हो गया आपका 5, एटलीस्ट थ्री सक्सेसेस, 3 या 3 से ज्यादा, मतलब अगर एक्स की वैल्यू 3 है तब भी चलेगा, एक्स की वैल्यू 4 है तब भी चलेगा, एक्स की वैल्यू 5 है तब भी चलेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कायदे से लिख के बताता हूँ तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। देखो आई थिंक हम लोगों को प्रॉबिबिलिटी सक्सेस और फेलियर की क्या है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कंडक्टेड, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, मतलब इफ द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड 3 टाइम्स द प्रॉबिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 2/3 एंड द प्रॉबिबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/3, ठीक। तो पी हो गया आपका 2/3 और क्यू हो गया आपका 1/3, ठीक है। कितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा है 5 टाइम्स, ठीक। अच्छा क्वेश्चन ने कहा है कि बताओ कम से कम 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अगर 3 सक्सेसेस हुए तो हमारा आंसर सैटिस्फाइड, अगर 4 सक्सेसेस हुए तब भी हमारा आंसर सैटिस्फाइड, अगर 5 सक्सेसेस हुए तब भी हम खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3,
ठीक है, थ्री और मोर, एटलीस्ट थ्री, तो मतलब थ्री और मोर, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री आपकी कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव, यही होता है आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री इसी तरह से आएगी, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव, बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है। एन क्या होगा, एन है आपका फाइव सी, यहाँ पर एक्स है थ्री, तो पी क्या है आपका, पी है टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री रेज टू द पावर एक्स इज थ्री इंटू क्यू बाई थ्री, वन बाई थ्री क्यू बाई थ्री नहीं क्यू, इंटू क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स, तो एन है आपका, एन है फाइव और थ्री है एक्स है थ्री, चलो इसको थोड़ा सा ना धीरे धीरे करते हैं, मैं भी हड़बड़ा रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक। अब आप इतना देखो, p ऑफ x इज इक्वल टू थ्री कैसे आएगा, एन सी एक्स p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस एक्स, ऐसे आता है, ठीक है। तो p x इज इक्वल टू थ्री में x की वैल्यू थ्री हो गई, x की वैल्यू थ्री हो गई, तो ये आपका आएगा n क्या है फाइव सी थ्री, व्हाट इज p, p इज टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री रेज टू द पावर x, x इज थ्री, q इज वन बाई थ्री, 1 बाई थ्री रेज टू द पावर n माइनस एक्स, एन इज 5 एंड x इज 3, तो 5 माइनस 3, ये हुआ आपका ये, ठीक है। फिर ये कैसे निकालोगे, ये भी इसी तरह से निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस n वही है 5 c, x की वैल्यू हो गई 4, तो ये हो गया 5 c 4, p अगेन 2 बाई थ्री है, तो 2 बाई थ्री रेज टू द पावर x, x की वैल्यू है 4, q 1 बाई थ्री है, अगेन रेज टू द पावर n माइनस एक्स, एन इज 5, x इज 4, तो ये हो गया 1, ठीक। तो ये आपका आ गया ये वाला, ठीक। फिर आप करोगे प्लस x इज इक्वल टू 5, तो क्या करोगे, n c x, तो 5 c 5 इंटू इंटू p है 2 बाई थ्री रेज टू द पावर x, मतलब 5, q बाई थ्री 1 बाई सॉरी p रेज टू द पावर x और q रेज टू द पावर n माइनस एक्स, p है 2 बाई थ्री रेज टू द पावर x है 5, q है 1 बाई थ्री रेज टू द पावर n माइनस एक्स, मतलब 5 माइनस 5 मतलब 0, ये हो गया, ठीक। देखिए आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अरे फ्रैक्शनल फॉर्मेट में दिया हुआ है, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 5c3 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाई 3 क्यूब 1 बाई 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 इज 2, ये आया प्लस 5c4 कितना होगा, 5c4 को आप 5c1 लिख सकते हो, और 5c1 क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक, 5c4 आपका 5c1 हो जाएगा, 5c4 कैन बी रिटन एज 5c1 एंड 5c1 इज 5, 2 बाई 3 रेज टू द पावर 4, 1 बाई थ्री रेज टू द पावर 1, एक तो आपका ये बन गया, प्लस 5c5, 5c5 इज 1, ये जो है 5c5, 5c5 होता है आपका 1, तो 1 इंटू 2 बाई थ्री रेज टू द पावर 5 और 1 बाई थ्री रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये आ गया आपका ये, ठीक। अब आपको इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है, मेमोरी वगैरह सब क्लियर कर दो। पहला एक्सप्रेशन देखेंगे, 2 बाई थ्री रेज टू द पावर 3, 2 बाई थ्री इंटू इज इक्वल टू ये आ गया रेज टू द पावर 3, ठीक है, इंटू 1 बाई थ्री इंटू 1 बाई थ्री, तो इंटू 1 बाई थ्री इंटू 1 बाई थ्री इंटू 1 बाई थ्री, ठीक। तो ये आपका ये वाले ब्रैकेट्स निकल के आ गए। अब इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये देखो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 है, तो डिवाइडेड बाई 6 आप कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 6, जो भी आया इसको डाल दो मेमोरी में, ठीक। तो अब आपका ये जो पहला वाला टर्म था ये चला गया मेमोरी में, ठीक। अब आप दूसरा वाला टर्म करो, इसको भी मेमोरी में डालोगे, तीसरा वाला टर्म करोगे, इसको भी मेमोरी में डालोगे, चलो दूसरा वाला टर्म देखते हैं, 2 बाई 3 रेज टू द पावर 4, तो इसको क्लियर कर दें हम लोग, 2 बाई 3 इंटू इज इक्वल टू पावर 2 आई 3 4, ये पावर 4 आ गई, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, अब ये भी हो गया, इंटू 5 इंटू 5, जो भी आया m प्लस,
मेमोरी में डाल दो इस वाले बॉक्स को भी। अब उसके बाद ये थर्ड बॉक्स बचा 2/3 raised to the power 5, तो 2/3 raised to the power 5 तो into is equal to power 2y power 3 4 5, जो भी आया डाल दो मेमोरी में। मेमोरी रिकॉल करो, आंसर आता है 0.79012, ये आपका आंसर आता है। अब आप ऑप्शंस देखो, 33/81 ना, 46/81 ना, 64/81, ये आया 0.7901, ऐसा ही तो था 0.79012, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, 0.79012 आ गया, ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्लियर है, सिंपल है, आप लोग देख सकते हो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वह फिगर्स आएंगी, यही सब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन 21 हो गया ना हमारा, तो 14, 11, 8 और 2 बिल्कुल इसी टाइप के हैं, इसको इन क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। क्वेश्चन 105 पे आओ, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी एन कॉमा पी, ठीक है, इसका मतलब एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स, कई बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से भी लिखा जाता है। एन इज इक्वल टू 4, पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसको मैं एक बार लिख के कायदे से बताता हूँ, एन की वैल्यू दी हुई है, 4, ठीक है, एन की वैल्यू दी हुई है 4, और लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इससे आपको अब निकालना क्या है, फाइंड पी, हम लोगों को स्मॉल पी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो, जब आपके पास, अच्छा, सक्सेस फेलियर कुछ दिया हुआ है, सक्सेस फेलियर कुछ दिया नहीं है, तभी तो ये सक्सेस वाला हम लोगों को निकालना है, तो अगर सक्सेस आपकी पी होती है तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है वन माइनस पी। अच्छा, एनीवे, पी एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा आपका, एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स, यही होगा, ठीक। एन आपका 4 है, तो यहां पर एन को हटा के मैं 4 लिख सकता हूं, एक्स आपका 2 है, तो यहां पर एक्स की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, ठीक। p रेज टू द पावर x है, x की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, और q रेज टू द पावर n माइनस एक्स है, तो n है 4, x है q, x है 2, तो 4 माइनस 2 मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि q जो है वो 1 माइनस p होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 माइनस p भी लिख सकता हूँ। क्या इसमें कोई दिक्कत आई किसी को? आई एम श्योर नॉट। इज इक्वल टू 3 इंटू फिर एन सी एक्स p रेस टू द पावर x q रेस टू द पावर n माइनस x, अगेन n है आपका 4, x है आपका 3, ठीक, x है आपका 3, और q रेस टू द पावर n माइनस x, n है आपका 4, x है आपका 3, तो q रेस टू द पावर 1 हो जाएगा, एंड q इज नथिंग बट 1 माइनस p, अब आप देख लो इस इक्वेशन को, जैसे ही आप सॉल्व करोगे p की वैल्यू बहुत आराम से निकल आएगी, ठीक है। सॉल्व करें इसको, ये आप लोग कर लोगे अपने आप, इसी तरह से तो करना है आपको, ठीक है। p 1 माइनस p, इसको आप लोग कर लोगे खुद से, ठीक, इसको आप लोग खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, मैं इसको सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, इस वीडियो के एंड में आएगा भी। आगे चल लें सर, क्वेश्चन 57 देखते हैं, क्वेश्चन 57, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स प्रॉबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 3 सक्सेसेस आर 0.4362 एंड 0.2181 रिस्पेक्टिवली, पैरामीटर पी ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। इसमें भी कुछ खास दिक्कत नहीं है, आपके पास 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, तो मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, मतलब x की वैल्यू है 2
और अगर x की वैल्यू 2 है तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 कितना है, 0.4362. ठीक है सर, देख रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस मतलब x अगर 2 है तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज गिवन एज 0.4362. ठीक, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस मतलब अगर x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.2181. ठीक है, आपको सक्सेस निकालनी है कि सक्सेस इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, आपको स्मॉल पी की वैल्यू निकालनी है. क्या ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आई एम श्योर नॉट. ठीक, करना क्या है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 5, एन की वैल्यू है 5. ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आपको दी हुई है कितनी, 0.4362. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.4362. ठीक, एन क्या है, 5 सी 2 पी रेस टू द पावर 2 1 माइनस पी रेस टू द पावर 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3. एन माइनस एक्स मैंने कर दिया, ये आ गया 1 माइनस पी रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0.4362. सिमिलरली जो दूसरा है आपका, प्रॉबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0.2181, तो ये आ जाएगी 0.2181. ठीक, प्रॉबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 इज गिवन बाय एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.2181. ठीक है, n क्या है, 5, x क्या है 3, तो 5 सी 3 पी रेस टू द पावर 3 1 माइनस पी रेस टू द पावर 5 माइनस 3 विच इज 2 एन माइनस एक्स 5 माइनस 3 विच इज 2 इज इक्वल टू 0.2181. ठीक है, अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं पी के टर्म्स की इक्वेशंस हैं, आप इनको आराम से सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आराम से पी की वैल्यू निकाल सकते हो. हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो. Binomial distribution is applicable when the random variable x is discrete. Theoretical question आता है, लिख लेना इसको. आपका जो n है वो भी number of trials है, वो आपके negative तो हो नहीं सकते, मतलब number of trials आपके positive हैं. Probability of success or failure ये भी आपकी positive ही है. ठीक है, probability कभी भी negative नहीं हो सकती. Therefore fx is greater than equal to 0 for एवरी एक्स, मतलब प्रॉबिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल और प्रॉबिबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, ये भी आपकी जीरो से बड़ी है. तो जो टोटल प्रॉबिबिलिटी होती है पूरे एक्सपेरिमेंट की, वो भी आपकी जीरो से बड़ी होगी, वो भी आपकी जीरो से ज्यादा होगी. ठीक है, और सारी की सारी प्रॉबिबिलिटीज का जो सम टोटल होगा वो 1 होगा. Binomial distribution is known as biparametric distribution as it is characterized by two parameters n and p. ठीक, this means that if we have the values of n and p, n क्या है, number of total experiments, और p क्या है, probability of success in each trial. ठीक है, q p से ही determine हो जाता है और x आपको question बताता है. Then the distribution is known completely. The mean of the binomial distribution is given by n into p. ठीक है, जो मीन होता है म्यू, इट इज गिवन बाय n into p. आ जाओ पेज 3.896 पे, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं. देखो, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी 4,1/3. ठीक है, तो हमें मालूम है कि इस तरह से लिखा जाता है, कभी कभी बाइनोमियल थ्योरम को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से लिखा जाता है, b ब्रैकेट में n कॉमा p. ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू आ गई 4 और p की वैल्यू आ गई 1/3. तो n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 1/3. क्या पूछा है, मीन पूछा है. मीन होता क्या है, n इंटू p होता है. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 4/3. ऑप्शन डी इज योर आंसर. आगे चलते हैं.
मोड, अच्छा मोड में ध्यान देने वाली बात है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंगल मोड भी हो सकता है और डबल मोड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मोड भी हो सकता है, दो मोड्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि n प्लस वन इंटू पी की वैल्यू इंटीजर है या फ्रैक्शनल है, ठीक। देखो क्या लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस वन इंटू पी इज एन इंटीजर दैट इज विदाउट अ डेसिमल पार्ट, सपोज 2 आया या 4 आया या 99 आया, तो इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है ना, तो अगर ऐसा कुछ आता है देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू हैव टू मोड्स, तो उसके दो मोड्स होते हैं, इट इज कॉल्ड अ बाई मोडल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द टू मोड्स आर गिवन बाई, दो मोड्स किस तरह से निकाले जाते हैं, एन प्लस वन इंटू पी, ये तो है ही, एक मोड आ ही गया, और दूसरा एन प्लस वन इंटू पी में से वन माइनस कर दिया जाता है, एन प्लस वन इंटू पी में से वन माइनस कर दिया जाता है, तो आपका दूसरा मोड निकल के आता है। इसको हम लोग पेज 3.900 क्वेश्चन 103 देखेंगे तो और कायदे से समझ में आएगा। क्वेश्चन 103 ये देखो, फाइंड मोड व्हेन एन इज इक्वल टू 15 पी इज इक्वल टू 1/4 इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोग देख रहे हो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इस चैप्टर से आता है करीब 5 to 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है, राइट। बट यू कैन सी कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो मोड निकालना है, मोड क्या होता है, एन प्लस वन इंटू पी, यही होता है ना मोड, मोड होता है एन प्लस वन इंटू पी, तो हम लोग देखते हैं कि क्या एन प्लस वन इंटू पी की वैल्यू क्या आ रही है, तो 15 प्लस वन इंटू वन बाई फोर, यह आया 16 इंटू वन बाई फोर, तो यह आया 4 4 16, तो एन प्लस वन इंटू पी की वैल्यू आई 4। क्या ये इंटीजर है या ये डेसिमल है, ये इंटीजर है, ठीक। अगर ये इंटीजर है तो इसके दो मोड्स होंगे, ठीक है। पहला मोड कौन सा होगा, यही होगा 4। दूसरा मोड क्या होगा, इसमें से 1 माइनस कर दो, दूसरा मोड हो जाएगा 3, सिंपल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 and 3, ठीक है। आपको करना क्या होता है, एन प्लस वन इंटू पी देखना होता है, अगर ये पूरा इंटीजर आया तो दो मोड्स हैं, एक मोड तो यही हो जाएगा, दूसरा मोड इसमें से 1 माइनस करके हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आया तो आपका मोड वही रहेगा, कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ द वैल्यू ऑफ एन प्लस वन पी इज अ फ्रैक्शन दैट इज विद अ डेसिमल पार्ट देन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू हैव ओनली वन मोड, इट इज कॉल्ड अ यूनिमोडल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मोड इज गिवन बाय द लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन एन प्लस वन इंटू पी, लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन एन प्लस वन इंटू पी, मतलब अगर 97.99 आया तब भी आपका मोड 97 ही होगा, सिर्फ इंटीग्रल पोर्शन होगा, सिर्फ इंटीजर पोर्शन जो भी होगा वो आपका मोड कहलाएगा, फ्रैक्शनल पोर्शन से आपको मतलब नहीं होगा। पेज 3.887 क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन 70 देखो, If x is a binomial variable with parameter 15 and 1/3, then the value of the mode of the distribution is, ठीक है, तो n है आपका 15 और p है आपका 1/3। मोड निकालने के लिए वी डू n प्लस वन इंटू पी, 15 प्लस वन इंटू 1/3, 16/3, ठीक है। 16/3 आपका डेसिमल होगा, 16/3 ये आएगा आपका 5.3333, ठीक है। मोड क्या होता है, द लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन इन दिस एंटायर थिंग, तो मोड हो जाएगा आपका 5, मोड हो जाएगा आपका 5, ठीक है सर। चलो आगे, वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू, ठीक है। वेरियंस निकाली जाती है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू से, वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस दैन इट्स मीन, तो इस पे कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, मीन इज ग्रेटर दैन वेरियंस, ठीक है। सिंपली यही क्वेश्चन आ जाएगा कि इन विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ग्रेटर दैन वेरियंस, या ये पूछ लेगा कि इन अ सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस इज लेस दैन मीन, फाइंड द आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका आंसर हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, आई होप आई एम नॉट गोइंग टू स्लो ईदर, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में करके मुझे बताओ, मैं इसको देखूंगा, कल का लेक्चर उसके हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है।
चलो द वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू और वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस दैन इट्स मीन इफ पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 0.5 वेरियंस इज द मैक्सिमम एंड इज गिवन बाय एन बाय 4. ठीक है, तो ये भी थियोरिटिकल पॉइंट में आ सकता है, हो सकता है प्रैक्टिकल में भी कभी आ जाए. आप आ जाओ पेज 3.870 क्वेश्चन 35 पे. क्वेश्चन 35 देखो, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन इज 9, पी इज 1/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरियंस. तो वेरियंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू. ठीक, एन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 9, P की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1/3, Q की वैल्यू कैसे आएगी 1 माइनस 1/3. आ जाओ कैलकुलेटर पे करें इसको. कैलकुलेटर पे सबसे पहले तो 1/3 सॉल्व करो. 1/3 जो भी आया m प्लस 1 माइनस मेमोरी रिकॉल, तो ये 1 माइनस 1/3 आ गया यहाँ पर, इंटू 1/3, तो इंटू 1/3. ठीक है, इंटू 9, इंटू 9 आंसर 2. आंसर इज 2. आप लोग भी सोचोगे सर क्या ये बच्चों वाले क्वेश्चंस करा रहे हो, सर ये एग्जाम्स में आते हैं, मैं क्या करूं बताओ. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखो. इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. 82 देखो, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे For a binomial distribution, if variance is equal to mean square, then the values of n and p will be. तो इसमें तो कोई हम लोगों को दिक्कत वाली बात ही नहीं है. वेरियंस क्या होता है, वेरियंस निकलती है आपकी सिग्मा स्क्वायर से और फॉर्मूला हो जाता है n इंटू पी इंटू क्यू. ठीक है, ये वेरियंस का फॉर्मूला हो जाता है. मीन क्या होता है, मीन होता है आपका n इंटू पी. क्वेश्चन के मुताबिक वेरियंस इज इक्वल टू, क्वेश्चन के मुताबिक वेरियंस इज इक्वल टू मीन का स्क्वायर. ठीक है, अच्छा, तो मतलब एन पी क्यू इज इक्वल टू एन पी का स्क्वायर और हमसे एन और पी पूछा है, तो हम एक एक ऑप्शन ट्राई करते हैं ना, एक एक ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं. तो ऑप्शन ए के हिसाब से एन है मेरा 1 और पी है मेरा 1/2. ऑप्शन ए के हिसाब से एन है मेरा 1 और पी है 1/2, यही बात है. अब आ जाओ देखते हैं एन पी क्यू, अगर पी 1/2 है तो क्यू भी 1/2 होगा. ठीक, तो एन पी क्यू क्या होगा आपका, एन पी क्यू विल बी 1 × 1/2 × 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4. ठीक, ये हो जाएगा 1/4. अब एन पी स्क्वायर देखते हैं, एन इंटू एन पी होल स्क्वायर, एन पी होल स्क्वायर, एन इज 1, पी इज 1/2, इसका होल का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 1/4. तो ऑप्शन ए इज योर आंसर. ठीक, एन पी क्यू इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर, एन पी होल स्क्वायर. ठीक, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर. दस सिंपल क्वेश्चन है और ये तो रिसेंट होगा, जून 2017, बताओ 3 साल पहले का क्वेश्चन है. क्वेश्चन 59 देखो, क्वेश्चन 59, मीन एंड वेरियंस ऑफ अ बाइनोमियल वेरियंस आर 4 and 4/3 रिस्पेक्टिवली, देन पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विल बी. अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मीन मतलब एन पी इज इक्वल टू 4, एन इंटू पी इज इक्वल टू 4, वेरियंस मतलब एन पी क्यू इज इक्वल टू 4/3. क्या इसको यूज करके हम लोग क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स निकाल सकते हैं. एन पी की वैल्यू 4 है, यहां पर 4 रख दो तो ये आ जाएगा 4q इज इक्वल टू 4/3. ठीक है, तो 4 और 4 कट जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3. और एक बार अगर Q की वैल्यू आ गई तो P की वैल्यू निकालना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. P की वैल्यू आ जाएगी 1 − 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3. ठीक है, तो अब आपके पास P की वैल्यू आ गई 2/3, Q की वैल्यू आ गई 1/3. आपको पता है कि N इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू दिस 4/3, वेरियंस दिया हुआ है ना, एन पी क्यू इज इक्वल टू 4/3, तो N इंटू पी इंटू क्यू इज 4/3.
4/3, p और q की वैल्यूज यहां पर दी हुई हैं, इसको यूज करके आप n की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो n इंटू 2/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/3, तो n इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3/2 इंटू 3/1, ये कटा ये कटा, ये आ गया आपका 6, n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब आपके पास n है, आपके पास p है, आपके पास q भी है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, p इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। अच्छा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 का क्या मतलब हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1 प्लस x p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3 प्लस p x इज इक्वल टू 4 प्लस p x इज इक्वल टू 5 और प्लस p x इज इक्वल टू 6। ठीक है, आपका n है 6, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए आपके 6, और इसने कहा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। चलो, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, ये जो पूरा का पूरा आपने किया, या तो आप इसको अलग अलग निकाल के कैलकुलेट करो, या आप इसका एक ऐसे भी कर सकते हो कि पी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स लेस दैन 1, 1 माइनस पी एक्स लेस दैन 1। ठीक है, पी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1 माइनस पी एक्स इज लेस दैन 1। ठीक है, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेस दैन 1 को तो यही मतलब होता है, x इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स। तो 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 6 सी एक्स की वैल्यू 0। p क्या है आपका, p इज 2/3, 2/3 रेज टू द पावर x, x इज 0, एंड q इज व्हाट, q इज 1/3, q इज 1/3 रेज टू द पावर n माइनस एक्स, मतलब 6 माइनस 0 मतलब 6, 6 माइनस 0 का मतलब हो गया 6। बस अब इसको सॉल्व कर लो आप, 6 सी 0 कितना होगा, 6 सी 0 कितना होगा, 1 होगा, सिक्स सी जीरो आपका 1 होगा। तो 1 माइनस 1 इंटू 2/3 इंटू 1/3 रेज टू द पावर 6, टू 3, 4, 5, 6 इंटू 2/3 जो भी आया, m प्लस 1 माइनस मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू 0.999 आया आंसर, 0.999 आया आंसर। इसमें क्या है, अच्छा इसमें इस टाइप के फ्रैक्शनल दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ट्राई करते हैं, 728/729, 0.9986 आ गया, 0.9986 मतलब 0.999 आ गया, 0.9986 का मतलब 0.999 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है सर, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। आगे चलते हैं, हो गया ना ये 59th ही तो किया हमने, अच्छा चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जाहिर सी बात है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने बहुत देखा है स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक, इस पे कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, देन मीन ऑफ अ स्टैंडर्ड डिविएशन इज 20, मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4। मीन मतलब एन पी इज इक्वल टू 20, और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब एन पी क्यू का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4, यही मतलब है। तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये हो जाएगा एन पी क्यू इज इक्वल टू 16। ठीक, दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर कर दिया,
अगर दोनों को स्क्वायर कर दिया तो एन पी क्यू इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब यहाँ पर एन पी की वैल्यू जो 20 है उसको आप यहाँ पर पुट कर दो, तो 20Q इज इक्वल टू 16, मतलब Q इज इक्वल टू 16/20, Q इज इक्वल टू 16/20 कितना आ जाएगा, 2 8s are 16, 2 10s are 20, 2 4s are 8, 2 5s are 10, मतलब 4/5 आ गई आपकी Q, और अगर Q 4/5 है तो P आपका 1/5 हो जाएगा, ठीक है। P आपका 1/5 हो जाएगा, 1/5 क्यों हो जाएगा, बिकॉज P विल बी 1 - 4/5 एंड हेंस इट विल बी 1/5, ठीक। तो अब आपके पास P आ गया, Q आ गया, N निकाल सकते हो, एन पी क्यू इज इक्वल टू 16, एन इन टू पी इज 1/5, क्यू इज 4/5 इज इक्वल टू 16, एन की वैल्यू क्या आएगी, 16 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 25s are 100, एन की वैल्यू आ गई 100, ठीक है, 4 5s are 20, 25s are 100। तो पूछा क्या है इसने, अच्छा n की वैल्यू पूछी है, तो n तो आ गया 100 आपका, n 100 है, p 1/5 है, q 4/5 है, p 1/5 है, q 4/5 है, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है सर, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट पेज 3.862 क्वेश्चन नंबर 20 देखो, पेज 3.862 क्वेश्चन 20 देखो, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, ये ठीक है या नहीं है, ओके। मीन इसके हिसाब से कह रहा है ये है 10, इसके हिसाब से मीन कह रहा है 10, स्टैंडर्ड डिविएशन 4, मीन 10 है इसका मतलब एन पी इज इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है इसका मतलब एन पी क्यू का जो स्क्वायर रूट है वो है 4, ठीक, इसका मतलब हो गया कि एन पी क्यू है आपका 16, आपने इन दोनों साइड्स को स्क्वायर किया तो एन पी क्यू आ गया आपका 16, एन पी की वैल्यू 10 को यहाँ पर पुट करो तो 10Q इज इक्वल टू 16 एंड Q इज इक्वल टू 16/10, ओह ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि Q की वैल्यू आ गई 1.6, Q की वैल्यू आ गई 1.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1.6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, 1 - 1.6 -0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो नेगेटिव आ गई, क्या नेगेटिव आ सकती है, नहीं, ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ठीक है सर, आगे चले, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या कह रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस वेयर एक्स हैज अ पैरामीटर्स एन वन एंड पी एंड वाई हैज अ पैरामीटर्स एन टू एंड पी, देन एक्स प्लस वाई विल बी द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन प्लस वन एन वन प्लस एन टू एंड पी, ठीक है, थियोरेटिकल आएगा, इसको कुछ नहीं करना है, आपके पास दो पैरामीटर, दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इट इज़ अ बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि इसके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है एन और दूसरा होता है पी, ठीक है, तो कह रहा है अगर सपोज आपके पास दो दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एक है एक्स और दूसरा है वाई, ठीक है, एक्स के पैरामीटर्स हैं एन वन और पी और वाई के पैरामीटर्स हैं एन टू और पी, तो आपका x प्लस वाई जो होगा वो होगा n1 वन प्लस एन टू और p, बस इतनी सी चीज कह रहा है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समटाइम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो रिटन एज b ब्रैकेट में n कॉमा p, ये तो हम लोगों को मालूम ही है, सो इफ इन अ क्वेश्चन यू फाइंड समथिंग लाइक x बी 5.4, इट मीन्स दैट एन इज 5 एंड पी इज 0.4, हियर एक्स डिनोट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो ये तो हम लोगों को मालूम ही है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में करके देखा था, ठीक है सर, आज के लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, मैंने सोचा था कि हम लोग इस चैप्टर को पूरा निपटा देंगे लेकिन कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है और अगर मैंने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा,
ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ाए, तो कोई बात नहीं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कल करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, तो उसके हिसाब से फिर मैं कल वाली क्लास रिकॉर्ड करूँगा आज शाम को। ठीक है सर, तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, एंड टुमारो वी डेफिनेटली फिनिश ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद फिर परसों से हम लोग कुछ नया करते हैं। मैं अनअकैडमी पे, अनअकैडमी सीए फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं वहाँ पर रोज़ दोपहर को 2 से 3 रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ अपनी। तो अगर आपका कोई जानने वाले हैं जिनका अटेम्प्ट नवंबर में है, आई वोंट रेकमेंड यू टू वेस्ट योर टाइम ओवर देयर। अभी हम लोग वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू कम ओवर देयर एंड वेस्ट योर टाइम ओवर देयर ऑल्सो, कि आप यहाँ पर भी क्लास कर रहे हो, आप वहाँ पर भी क्लास कर रहे हो, यहाँ पर आप रिवाइज कर रहे हो, फास्ट ट्रैक मोड पर कर रहे हो, और वहाँ पर आके आप स्लोली स्लोली कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पर मेरी लाइव क्लास चलती है, तो रोज़ दोपहर 2 से 3 मेरी लाइव क्लास चलती है अनअकैडमी सीए फाउंडेशन के चैनल पे। तो इफ़ यू नो एनीवन, या अगर आप ही को किसी एक टॉपिक में दिक्कत है और आप चाह रहे हो कि हम वहाँ पर आके फुल फ्लेजिडली अपना काम कर लें, तो आप वहाँ पर आ सकते हो। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू फास्ट ट्रैक लेक्चर, इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय।